आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। मैथ का टॉपिक है, आज अपन पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन होता क्या है एक्चुअल में? सिंप्लीफिकेशन होता है सरलीकरण, हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण या फिर सिंप्लीफिकेशन होता है किसी भी जटिल चीज को एक साधारण शब्दों में लिखते हैं, जैसे कि 100 डिवाइडेड बाय 10। अब अपने पास ये ऑप्शन है, अपना आंसर आ रहा है यहाँ तक। अब ऑप्शन दे रखा है हमें 10, 10, 11, 12, 13। ऑप्शन दे रखे हैं हमें 10, 11, 12। 10 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इस, ठीक है। तो अभी सिंपलीफिकेशन समझने के लिए हमें करना होगा बोर्ड मास, सीखना होगा बोर्ड मास। पहले बोर्ड मास 6 क्वेश्चन पूछा करते थे, पर अब वी बोर्ड मास 6 क्वेश्चन पूछते हैं। वी मतलब वेनागुलम बार, पी ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा स्मॉल, देन मीडियम, देन लार्ज। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। ठीक है, फिर सॉल्व होगा ऑफ, फिर सॉल्व होगा डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन ऐड एंड देन सबट्रैक्शन, यानी कि घटाना। सबसे पहले सॉल्व होगा वेनेकुलम बार। वेनेकुलम बार भी एक टाइप का ब्रैकेट ही है, जो मैं आपको आगे समझा दूंगा। वेनेकुलम बार भी एक टाइप का ब्रैकेट ही है, देन ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऐड एंड सबट्रैक्शन, सभी ये इस फॉर्म में ही सॉल्व होंगे। सबसे पहले वेनेकुलम बार, फिर बोर्ड, फिर देन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन, मैंने बताया था वेनेकुलम बार भी एक टाइप का ब्रैकेट ही है। अरे हमारे सामने ऑप्शन आ जाए 18 प्लस 18 एंड देन वेनेकुलम बार, तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो इसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे, इसे हम ब्रैकेट में लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आंसर माइनस का 36 आएगा। अगर अपन वेनेकुलम बार को हटा कर अगर बात करें तो ये आंसर क्या आएगा? अगर ऑप्शन हो 18 प्लस 18 देन माइनस, देन आंसर विल बी 0, तब हमारा आंसर आएगा 0। अगर वेनेकुलम बार होगा ना तो अपन उस सिर्फ जो डिजिट है इन्हीं को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, और जो बाहर की जो साइन है उसे अपन ब्रैकेट के अंदर नहीं लेंगे, अंदर वाले को ऐड करेंगे और फिर बाहर वाले से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन आएगा, आप समझ जाएंगे थोड़ा ठीक से, थोड़ा सा था तो बता दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था, 50 प्लस 0.5 into 20 ब्रैकेट divided by 0.7 NTPC 2016। एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर मैं बता ही रहा हूँ अभी तो।
ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व क्या होगा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में भी बड़ा वाला ब्रैकेट, सिर्फ एक ही ब्रैकेट है तो ये सॉल्व हो, पहले यही होगा, उसके बाद क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लीकेशन, बोर्ड मास करो, एक बार इधर देखिए बोर्ड मास करो, देखो एक बार, बी पी ओ डी एम ए एस, मैंने कुलम बार है नहीं, ब्रैकेट ब्रैकेट है, पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ऑफ है नहीं, डिवाइडेड का ऑप्शन है नहीं, मल्टीप्लीकेशन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और में 10 इंटू 20, 0 से 0 गया, 10 आ गया, टेन प्लस देन 50, ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाय 0.7, ठीक है, अब ये 60 डिवाइडेड बाय 0.7 इंटू 10, 0 पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, 600 डिवाइडेड बाय 7, आगे आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, सॉल्व करने वाला तो आंसर अपना आएगा 85.71 आंसर, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है 4 / 4/5 / 2/3/7 of 7 + 4/5 multiply by 3/10 -1/5. अब ये क्वेश्चन देखिए, ये सीपीयू 2018 में आया था, ये वाला क्वेश्चन एक बार वीडियो आप पॉज करके आप ट्राई कीजिए, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब डिवाइड में उल्टा कर देंगे, डिवाइड को तो मल्टीप्लेक्स है, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 1 / 3 + 4 / 5 देन मल्टीप्लाई बाय, रुकिए वेट वेट वेट, यहाँ से कट जाएगा, 2 / 5 + 3 / 5 माइनस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 1 / 5, अब 5 / 4 = 20, 24, ठीक है, अब ये 3 से 8 गया, बच गया 8 / 5 + 2 / 5 = 5 / 5 = 25, then 3 / 6 - 1 / 5, इन दोनों एलसीएम ले लेंगे, सभी का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम है 25, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25 एलसीएम को सॉल्व करने का सिंपल तरीका यही है, माइनस का 5 प्लस का 6 प्लस 8, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, बचेगा 1 प्लस का 9 / 25 आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था सीपीयू 2018 के अंदर, तो ये सिंपल तरीके से सभी एक सिंपल वे में चला है, सबसे पहले अपने ऑफ सॉल्व किया, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया, ठीक है, ऑफ फिर इसे भी कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन में कर लिया, यहाँ से 24 गया, ठीक है, समझ में आप लोगों को, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, अभी मतलब 4 / 3
माइनस 2 1 ओवर में 2 प्लस 3 ओवर में 4, ये भी सीपीओ 2018 में आया था। एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले सॉल्व क्या हुआ, सबसे छोटा ब्रैकेट 2 2 4 एंड 5, 5 4 में 2, 3 प्लस 3 और में 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम आया 4, ठीक है। 4 से ये 3 का 3, 5 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 5 10, ठीक है। ये अपना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 13 ओवर में 4 माइनस, क्योंकि साइन माइनस का है, ये वाली वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब 4 3 12 1 13 ओवर में 3, दोबारा एलसीएम लेंगे, 4 3 12 3 39, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 52 माइनस करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, 52 माइनस 39 9 3 13, ठीक है। यहां तक सॉल्व होकर आंसर अपना आ रहा है 13 ओवर में 12। अब प्लस, साइन है प्लस का तो प्लस, 6 2 12 12 एंड 13, 13 ओवर में 6, एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम आएगा 12, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 12, तो 13 का 13 प्लस मल्टीप्लाई बाय 12, 6 2 13 2 26। अब यहाँ तक अपना सॉल्व हो गया, यहाँ तक आया अपना 39 ओवर में 12। अब ब्रैकेट में डिवाइड में 39 ओवर में 4 9 36 37 39 39 ओवर में 4। अब इसे अपन उल्टा करेंगे, डिवाइड में तो उल्टा करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 39 ओवर में 4 मल्टीप्लाई बाय, उल्टा कर देंगे उल्टा, 12 ओवर में 39, ठीक है। 4 3 12 12, ये सही गया। थ्री हमारा आंसर होगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया। तो अपन सबसे पहले सिंपल बोर्ड मास का ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ज्यादा बाहर कुछ नहीं जा रहे, अपन बस सिंपल बोर्ड मास को ही फॉलो कर रहे हैं, और ज्यादा कुछ बाहर तो जा ही नहीं रहे अपन। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, ये है मैंने कॉलम 12 क्वेश्चन है, देखते हैं। ये आया था एनटीपीसी 2016 में, ऑप्शन भी देता हूँ मैं इस बार आपको। 9 ओवर में 20 माइनस 1 ओवर में 5 प्लस मिडिल ब्रैकेट 1 ओवर में 4 प्लस 5 ओवर में 6, छोटा वाला ब्रैकेट माइनस 1 ओवर में 3 प्लस 1 ओवर में 2, ये था एनटीपीसी 2016 में। ऑप्शन, पहला ऑप्शन अपने पास -1, दूसरा ऑप्शन है 1 ओवर में 1 बाय 2, थर्ड ऑप्शन है 0 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1। ये अपने पास ऑप्शन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब जिसे ट्राई करना वो वीडियो पॉज करके ट्राई करे, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस बार सबसे पहले ये सॉल्व होगा, वेनेकुलम बार सॉल्व होगा, वेनेकुलम बार, इसे अपन एक छोटा ब्रैकेट मान लेंगे, 1 ओवर में 3 प्लस साइन माइनस बार है, 1 ओवर में 3 टू द 6, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई
एंड देन प्लस 3, 5 ओवर में 6, 5 ओवर में 6 ये सॉल्व होगा अगर 5 ओवर में 6 माइनस 5 ओवर में 6, तो 5 ओवर में 6, 5 ओवर 6 कट जाएगा, आंसर अपना 0। अब ये अपना सॉल्व हो गया, यहाँ पे आ रहा है 0, ये सॉल्व होकर अपना आ गया है 0। तो अब यहां तक की कोई वैल्यू नहीं रही है अपने पास। अब 1 प्लस 4 प्लस 1 ओवर में 5, 5 4 जो 20, देन मल्टीप्लाई दैट एंड दैट, ठीक है, क्योंकि इन दोनों कोई एलसीएम है नहीं, ये दोनों एक दूसरे कोई समान वैल्यू आ नहीं रही कटने की, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आया वो देख लेंगे। 4 प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 9 ओवर में 20, माइनस का निशान, ठीक है, तो माइनस 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 9 ओवर में 20, 20 20 कट जाएगा, आंसर आएगा 0, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आप लोगों को ट्राई कीजिए, सिंपल है, फिर मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा इस चीज की। ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं आपको ये सा इसी के साथ ही, ऑप्शन है 10, 12, 7 एंड 9, ए बी सी एंड डी, ऑप्शन भी मैंने आप सभी को दे दिया, आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, मैं आंसर बता ही रहा हूँ आपको भी, ठीक है। सबसे पहले मैंने कॉलम 12 को सॉल्व कर लेंगे, 8 प्लस 8 16, साइन माइनस का माइनस, ठीक है, आगे देखते हैं, माइनस का 16 प्लस का 18, इन दोनों ऐड कर लेते हैं एक बार, 8 8 दूनी 16 देख 17, 17 में माइनस का 16 जाएंगे डिवाइड माइनस करेंगे तो एक माइनस का साइन बाहर माइनस का है, अब इसमें से 11 में से 1 माइनस कर देंगे तो अपने आएगा 10 प्लस 15, ठीक है, अभी दोनों को ऐड करेंगे तो 25, 25 से 25 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये कट जाएगा 5, 5 अपना आएगा 5 डिवाइडेड बाय 50, तो यहां से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो कट कर 5 आ जाएगा, 5 फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर अपने पास आया 5, 5 से कट कर 10, ठीक है, अपन इसको ऐसे भी ले सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, समझ में आप लोगों को, तो सिंपली कुछ नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में, सभी में जितने भी ग्रामर अभी तक जितने भी एनटीपीसी में सीपीयू में आए हुए उन्हीं में सिर्फ बोर्ड मार्क्स का ही रूल फॉलो हो रहा है और बाकी कुछ नहीं है नाम इस चीजों में। अब अपन आगे क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, 40 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 15 प्लस 11 माइनस 8 प्लस 9, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आंसर है इसका पहला ऑप्शन 115, सेकंड ऑप्शन है 120, थर्ड ऑप्शन है 130, फोर्थ ऑप्शन है 140, एक बार आप ये ट्राई कीजिए, जिसे ट्राई करना है वो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर ले, मैं बता रहा हूँ
मैं बता देता हूँ फिर भी आंसर आपको, इन दोनों को ऐड करेंगे 8 8 16 एंड 17 माइनस, ठीक है मैंने बताया था आप लोग ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है 17 15 एंड प्लस 16 15 26 26, ठीक है 26 को माइनस करेंगे 17 से तो आंसर आएगा 9, 9 ही आएगा ना, हाँ 9 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3 कट कट आ जाएगा 3, ठीक है 3 3 जा 9 तो ये कट कर आपने आ गया 3, 3 1 से मल्टीप्लाई कर 3 बच जाएगा इनटू 40 मल्टीप्लाई 30 1 बाय 20 आंसर आ जाएगा अपना 120 आंसर आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन सुन लेकर चल रहे हैं, अब थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं, थोड़ा सा मामूली सा जो पूछता है एग्जाम टीसीएस करा हो, टीसीएस पूछता है ये ऐसे क्वेश्चन। अब अगला फॉर्म चेक करते हैं सिंपलीफिकेशन का, जो एनटीपीसी 2016 में आया था, थोड़ा सा सिंपल ही है, आप ट्राई करेंगे हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7, ये अपना आंसर है, ये अपना है और ये एनटीपीसी 2016 में आया हुआ, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ। अब एक बार ट्राई कीजिए, ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको इन सभी के। पहला ऑप्शन है 31 ओवर में 24, सेकंड है 24 ओवर में 31, तीसरा ऑप्शन है 26 ओवर में 25, चौथा ऑप्शन है 12 ओवर में 13। तो अपने पास ऑप्शन भी है क्वेश्चन भी है, आप एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं आपको आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, टू ओवर में सॉल्व करेंगे, हाँ ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट दोनों साइड किस साइड के सॉल्व कर लीजिए, 5 7 35 ये इससे इंटू कर लो, ये इससे इंटू कर लो, 5 2 10 प्लस 14 10 है, ठीक है ये अपना होगा 24 ओवर में 35, यहाँ का सॉल्व 5 7 35 15 5 2 10 5 2 10 एंड प्लस 7 21 ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है अब ये तो डिवाइडेड बाय 24 ओवर बाय 35, अब इसे उल्टा कर देंगे अपन, उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे 35 35 गया, ठीक है क्योंकि ठीक है बता देता हूँ आपको, 31 ओवर में 35 डिवाइड मल्टीप्लाई उल्टा कर देंगे इसको इनटू 35 ओवर में 24, ध्यान रखना ये वाली वैल्यू वैसा जो भी चेंज होगा ना, जो भी आपको चेंज करना हो इसी वैल्यू में चेंज करना होगा, ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, आप इसे 35 ओवर में 31 मत लिख देना वरना आंसर चेंज हो जाएगा आप लोगों का, बाकी आपकी इच्छा है आप करोगे वैसे करोगे, ये कट जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 31 ओवर में 24 अपना आंसर होगा। अब देखो ये वाला ऑप्शन तो ये भी है 24 ओवर में 31 पर ये गलत है क्योंकि जो वैल्यू चेंज होगी वो डिवाइडेड वाली होगी, जो जो डिवाइड कर रहा है किस चीज को वो वाली वैल्यू हमेशा चेंज होगी, ये वाली नहीं चेंज होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं तीन क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूँ आप ट्राई कीजिए, मैं बाकी उनका आंसर कल बताऊंगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए होमवर्क के, ठीक है पहला क्वेश्चन है 252 डिवाइडेड बाय 51 माइनस 27 माइनस 9 माइनस 8 प्लस 7 के ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 14, सेकंड ऑप्शन है 9, थर्ड ऑप्शन है 7, फोर्थ ऑप्शन है 18। अब क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 2 ये आप घर पे घर के लिए ट्राई कीजिए, मैं आपको कल इसका आंसर बता दूंगा अगली वीडियो में।
72 डिवाइडेड बाय 1 ओवर में 2, ठीक है, 15 प्लस 12 माइनस 9 माइनस 8 प्लस 7, ऑप्शन है इसके 6 पहला, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा 12, चौथा 8, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको मैं, क्वेश्चन नंबर 10, 6 माइनस 36 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5, ये ऑप्शन पहला ऑप्शन है 42 और 11, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है माइनस 42 और 11, और चौथा ऑप्शन है माइनस 7। ये प्योर बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्योर बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के, यहाँ पे जैसे ट्राई करना वो ट्राई करें, बाकी जैसे नहीं करना है वो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, अगले वाले वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को। आप सभी लोगों ने उतार लिए होंगे, अगर नहीं उतारेंगे तो वीडियो थोड़ा पीछे करके पॉज करके उतार लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ एक चीज और, अब इसी में पूछते हैं, अब इसी में सिंपलीफिकेशन के अंदर अभी एक चीज पूछने लगे, डिविडेंट मेथड, डिविजिबिलिटी मेथड, डिविजिबिलिटी मेथड, ये बात थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल है, कुछ लिख लें आप, मेथड लिख लें या फिर रूल्स लिख लें, कुछ रूल्स हैं। पहला रूल, दो से भाग के लिए कोई भी हमें डिजिट दे देंगे, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9 और 2, अगर उस वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर है तो वो वैल्यू 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। अगर 3, 5, 9 ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, जो इवन वैल्यू होगी एंड में वो 2 से डिवाइड होगी। तो लिख लीजिए, दो से भाग के लिए लास्ट में इवन होना जरूरी है, दो से भाग के लिए लास्ट में इवन होना जरूरी है, ठीक है। सेकंड, तीन से भाग के लिए संख्या को जोड़कर, अब देखिए जितने भी डिजिट होंगे जैसे 3, 5, 9, 6 और 1, अब इसका डिवाइड, अब अगर इसे डिवाइड करना होगा तो इसे अपन पहले ऐड करेंगे, 3 से 3 गया 3, 3 से 9, 6 और 3, तो ये वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी 3 से, क्यों, क्योंकि 3, 5 और 1, 6 ये भी 3 के से कट डिवाइड होता है, 9 भी 3 से डिवाइड होता है और 6 भी 3 से डिवाइड होता है, तो ये वैल्यू कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो कहना क्या चाहता है वो कि अपने से टोटल कंप्लीटली वो ऐड कर लेंगे या फिर 3 से 3 जो कट रहा है उसे काटते जाएंगे, या तो कंप्लीट पूरे को कंप्लीट डिवाइड ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसे अपन 3 से डिवाइड करके देख लेंगे, जो अगर आंसर अपना सही आ रहा है तो 3 से डिवाइड अपन ऐड कर देते हैं, 5, 3, 9, 5, 3, 8, 9, 9 प्लस 9 प्लस 6, ठीक है, 18, 24 डिवाइडेड बाय 3, तो ये पूरी वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब अगर 3 का रूल समझ गए आप, 3 से भाग के लिए सभी संख्याओं को जोड़कर 3 से भाग देकर देख ले, अगर वो संख्या पूर्णतः डिवाइड होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, तो वो वैल्यू 3 से डिवाइड होगी। अब अगला रूल देखते हैं, ये था 3 का रूल, अब देखते हैं 4 का रूल,
ठीक है, फोर्थ का रूल क्या कहता है? फोर्थ का रूल क्या कहता है? अगर किसी डिजिट के लास्ट के दो अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वो डिजिट भी कंप्लीटली डिवाइड होगी। अगर किसी संख्या के लास्ट के दो अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं यानी कि डिवाइड होते हैं तो वो डिजिट भी पूरी कंप्लीट डिवाइड होगी। जैसे कुछ भी लीजिए, 5 6 5 6 7 8 4 4। अब अगर लास्ट के दो डिजिट मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं तो ये डिजिट भी पूरी कंप्लीट डिवाइड होगी 4 से। ठीक है, 4 का रूल यही कहता है, आप ट्राई कर लीजिए एक बार, मैं आपको दिखाता हूँ। 5 6 7 8 4 4, 4 1 4, 4 4 16। ठीक है, 7 4 1 4, 3 8, 4 9 36, 2 4, 4 8 4 16, 4 5 24 6 24 6। ठीक है, तो ये वैल्यू कंप्लीट डिवाइड, मैंने रैंडम ही वैल्यू लिखी थी, मैं लास्ट में 44 लगाया ध्यान रखकर, और वैल्यू डिवाइड हो गई। अब 5 का रूल क्या कहता है? 5 का रूल कहता है, 5 का रूल कहता है कि लास्ट की वैल्यू या तो 5 होनी चाहिए या फिर 0। लास्ट की वैल्यू या तो 5 होनी चाहिए या फिर 0, तभी वो वैल्यू 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब 6 का रूल क्या कहता है? आप लोग उतार लिए हो। 6 का रूल क्या कहता है कि जो लास्ट जो डिजिट है वो या तो वो जो डिजिट है वो 3 और 2, 3 और 2 दोनों से विभाजित होने चाहिए। 2 का रूल मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें फॉलो कर लें, 3 का रूल इसमें फॉलो कर लें, दोनों को मिलाकर वो वैल्यू 6 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब 7 का रूल क्या कहता है? लास्ट का रूल कहता है, जैसे कोई वैल्यू आ गई अपने पास, ऑप्शन देख लेते हैं, 3 4 3। हाँ, तो रूल क्या कहता है कि इस लास्ट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 6, जो आंसर जो 6 आया 3 2 6, इसे अपन इस वैल्यू से माइनस कर दें। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो 7 का रूल है वैसे, 7 का। ठीक है, माइनस किया, ये वैल्यू 7 से डिवाइड हो रही है पूरी। ठीक है, तो रूल क्या कहता है कि लास्ट की वैल्यू जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आया है उसे जो रेस्ट ऑफ द वैल्यू बच गई जिसे डिवाइड नहीं किया उसमें से माइनस कर दे। अब थोड़ी बड़ी डिजिट ले लेते हैं एक बार, 4 डिजिट में देख लेते कैसे होगा, 2 7 4 4। ठीक है, ये वैल्यू है, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस वैल्यू को, 4 2 8 -8। ठीक है, -8 + 2 7 4 में से -8 करेंगे कितना बचेगा, 6, और 6 2। दोबारा यही रूल फॉलो करें, देखिए अब दोबारा भी यही रूल फॉलो करेंगे, 6 12 -4 1 / 7, तो ये वैल्यू भी कंप्लीटली डिवाइड हो रही है 7 से, 2 7 4 4, ये वैल्यू भी कंप्लीटली डिवाइड हो रही है 7 से, ये वाली भी हो रही है। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि 7 का रूल क्या है। ठीक है, अब 8 का रूल क्या कहता है? 8 का रूल कहता है किसी भी डिजिट का x y z x z, कुछ भी डिजिट हो, उसके लास्ट जो 3 वैल्यू होगी, लास्ट 3 वैल्यू डिवाइड होनी चाहिए 8 से, तभी अपना आंसर आएगा। जो लास्ट की 3 डिजिट है वो ही 8 से डिवाइड होनी चाहिए, बाकी इन चीजों का कोई महत्व नहीं है इसमें, सिर्फ लास्ट की जो 3 डिजिट है वो डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला लिख लिया, रूल 8 का हो गया।
अब 9 करोड़ लिख लीजिए, 9 करोड़ क्या कहता है, 9 करोड़ क्या कहता है कि जितने भी डिजिट है एक्स वाई जेड कुछ भी डिजिट है इन सभी को ऐड कर लो, ऐड करने के बाद जो एक्स वाई जेड डिजिट आएगी उसे अगर वो 9 से डिवाइड हो रही है तो वो वैल्यू कंप्लीट 9 से डिवाइड होगी, अगर वो 9 से डिवाइड नहीं हो पाए तो वो डिवाइड नहीं होगी। जैसे कि ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, 5 6 7 8 9 ठीक है, 8 16 17 17 17 और 7 24 24 24 और 36 30 और 5 35 9 ठीक है। अब देखते हैं 9 डिवाइड हो रहा है, 9 इधर 9 9 टू 18 नहीं 9 तो डिवाइड नहीं हो रहा, एक और लगा देते हैं इधर ठीक है, ये अपना हुआ 36। अब ऐड करते हैं पहले 35 ओवर में 9 आया था, अब इसे दोबारा ऐड करते हैं, अभी अपने ऐड 1 ऐड किया यहां पे, अब देखते हैं 35 + 1 = 36 4, अब ये वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड हो सकती है इससे। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके आगे आएंगे, एक बार एक रूल और बच गया है 11 का और है वो देख लेते हैं। इलेवन का रूल क्या कहता है कि कोई भी डिजिट होगी ना उसका पहला तीसरा पांचवा सातवा ये मतलब एक छोड़कर एक को ऐड कर लेंगे और इस साइड में दूसरी चौथी और पांचवी छठी 2 4 6 इनको ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी इवन माइनस ऑड, या फिर जो वैल्यू आएगी इनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी एक्स और इसे मान लेते हैं वाई, एक्स में से माइनस कर देंगे वाई को आंसर 0 ही आएगा, तो वो वैल्यू भी 11 से डिवाइडेंट होगी ठीक है। जो ऑप्शन जो आंसर आएगा अगर एक्स को माइनस करेंगे वाई से, मतलब एक सपोज किया सिर्फ अपन ने ऐड करने के बाद ये वैल्यू एक्स हो गई ये वैल्यू वाई हो गई, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 0 ही होगी, आंसर 0 ही आएगा इसका, तो वो वैल्यू भी 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगी ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करके देखते हैं इसी मेथड में, पहला क्वेश्चन इस टॉपिक डिविजिबिलिटी मेथड का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। अब हिंदी वाले बता दो, पहले लिख तो देता हूँ वाले भी सुन लें एक बार, which of the following is exactly divisible by 6, इन संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित होगी, मैं हिंदी में लिख देता हूं, इन संख्याओं में से 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या ठीक है, इन संख्याओं में से 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या, तो अब हमें ढूंढना है कि 6 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा ठीक है। अभी देखते हैं अपन, मैंने आपको 6 का रूल क्या बताया था, 6 से डिवाइड होने के लिए हमें वो वैल्यू चाहिए जो 3 से भी डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड हो ठीक है। तो 2 का रूल क्या कहता है कि लास्ट की दो डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, तो दो डिजिट डिवाइड हो रही है 6 ये नहीं हो रही, 2 और 2 ही डिवाइड हो रही है। अब 3 का रूल क्या कहता है कि इन सभी को ऐड कर लो
और उसके बाद 9 से डिवाइड देके देख लो, 3 से डिवाइड देके देख लो, 10 ये कट, ये 3 से कट गया पूरा पूरा कंप्लीट, 3 से कट गया, 5 और 9, 5 और 4 9, ये कट गया 9 से, 3 से कट जाएगा ये 2 और 1 3, रेस्ट बच गया 2, ये नहीं होगी ठीक है। अब अगले पास चलते हैं, 6 5 और ये कट गया, 3 कट गया, ये कट गया, ये आंसर अपना ही होगा। अब देखिए इसमें 4 6 5 3 1 2, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 3 18, 18 और 3 18 और 3 21, 21 3 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर आ गया 7। तो अपना ऑप्शन होगा यही, क्योंकि इसमें 12 है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट की 2 वैल्यू डिवाइड करके देख लीजिए ठीक है, और इसमें ये भी डिवाइड हो रहे हैं तो अपना आंसर आएगा 3। ये मैंने आपको बताया इसका एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक बार आप मैं बोल देता हूँ रिपीट करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, एक बार और बोल देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 9 9 से, और हिंदी वाले लिख ले, इन संख्याओं में से पूर्णतः 9 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, इन संख्याओं में से 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हैं। अब मैं ऑप्शन लिखवा देता हूं आपको, ये होमवर्क आप लोगों का, पहला ऑप्शन है 3 4 2 8 1 2, बी ऑप्शन है 3 4 2 8 1 3, सी ऑप्शन है 3 4 2 8 0 1, डी ऑप्शन है नॉट एट ऑल। इनमें से ये पहला ऑप्शन है, ये आपके मैंने आपको होमवर्क दिया उसका क्वेश्चन का पहला है, 9 से विभाजित होने के लिए कौन सी डिजिट है, डिवाइड होने के लिए कौन सी डिजिट है आप चेक कर लीजिए। 9 का रूल क्या कहता है आप लोगों को मैंने लिखवाया पीछे, 9 का रूल ये कहता है कि इन सभी को ऐड करो और 9 से डिवाइड करके देख लो, अगर हो, अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो डिजिट 9 से डिवाइड हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, 3 क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको मैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन नंबर इज, रिमाइंडर पता करना है कि क्या होगा अगर हम डिवाइड करें किसी संख्या को, डिजिट लिख लीजिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन नंबर इज, नंबर इज 2 8 1 9 2 8 7, ठीक है इसे डिवाइड करना है 9 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमें ये बताना है, रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है हमें ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ फिर अगले बार अगला क्वेश्चन आप खुद कर देना, तो देख लेते हैं 9 पहले ऐड कर लेते हैं इसको, 8 और 1 9, तो 9 से 9 गया, 9 से ये 9 भी गया ठीक है। अब 8 और 9 7 और 2 9, 8 और 2 10, 10 हमें तो 9 ही चाहिए, माइनस कर देंगे 9, बचा कितना 1, रिमाइंडर आंसर होगा रिमाइंडर 1 ठीक है, समझ में आया। अब आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ आप वो ट्राई कीजिए, अगर किसी संख्या को 9 से विभाजित करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, डिजिट क्या है, ठीक है ये आप आंसर कमेंट करें, जो इस 9 से इसे डिवाइड करें जो आंसर आए वो कमेंट करके बता दे कि आंसर क्या है ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है आप लोगों देना भी तो ना होमवर्क के लिए, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, इन संख्याओं में से 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, ये आपका होमवर्क के लिखवा रहा हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी तीसरा है,
इन संख्याओं में से पूर्णतः 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 6? ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन 2, 3, 5, 6, 4, दूसरा ऑप्शन 4, 6, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, तीसरा ऑप्शन 5, 6, 7, 9, 2, 5, 6, 7, 9, 2, तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन 3, 6, 3, 4, 6, 7, 2, एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ मैं 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, आपको मैंने लिखवाई दिया। इस इन संख्याओं में से 6 से पूर्ण से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6? ये आपको ऑप्शन दे दिया, आप बता दें कमेंट करके। 3 क्वेश्चन हो गए आपके इस टॉपिक से। अब अगला टॉपिक क्या कहते हैं? अगला टॉपिक देख, टॉपिक इन पर क्वेश्चन निकल गए, इसके 2 क्वेश्चन और। हाँ, एक सिर्फ एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्स फोर और में 35 और में, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 3। हमें x की वैल्यू पता करनी है कि क्या होगी अगर इसे विभाजित करें 3 से। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, हाँ पूछा है कि 3 से डिवाइड करेंगे ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और उस एक्स के साथ, एक्स की वैल्यू के साथ इन सभी वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमें एक्स की वैल्यू पता करनी होगी क्या होगी, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स रूल क्या कहता है कि इन सभी को ऐड करो, फिर जो वैल्यू आएगी वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 3 से 3, 5 और 6, 3 अभी ऐसे तो समझ रहे हैं, 4, 3, 7, 7 और एक 8, 8 और 5, 8 प्लस 5 प्लस x, 8, 2, 10, 10, 3, 13, 13 प्लस x, 13 प्लस x। अब इसमें क्या ऐड करें कि अपनी वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाए, 2, 15 हो जाएगा, 15, ठीक है, ऐड भी हो गया और ये वैल्यू ऐड करने के बाद कितनी है 15, तो आंसर हमारा होगा 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन कहता हूँ, बताता हूँ। इन सभी संख्याओं, एक संख्या में से अगर 3 का डिवाइड करें तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इस संख्या में से 3 का डिवाइड करें तो x की वैल्यू क्या होगी, फिर उनको सभी डिजिट को ऐड करके आंसर क्या होगा, ठीक है, फिर सभी संख्याओं को डिजिट को ऐड करके आंसर क्या होगा, क्वेश्चन ये है। मैं बोल देता हूँ फिर भी आपको, इंग्लिश मीडियम वालों को, इफ द नंबर इज दैट, नंबर ये है, नंबर इज दैट इज डिविजिबल बाय 3 वेयर x इज अ डिजिट, व्हाट कैन बी द सम ऑफ ऑल द वैल्यू? इन सभी वैल्यू का, सभी संख्याओं का ऐड करके आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन, समझ में आ गया ना? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय, इन संख्याओं में से 24 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हैं? इन संख्याओं में से 24 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हैं? 7, 8, 0, 8, 3, 4, सेकंड ऑप्शन, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, डिवाइडेड बाय 24 है वैल्यू, ठीक है, डिविजिबल, इसमें 24 से पूर्ण तक विभाजित कौन सी होगी? फोर्थ ऑप्शन 8, 8, 4, 3, 0, 7, ये है, ठीक है। अब इसमें देखना है अपने कि आज इन सभी में से डिवाइड कौन सी कंप्लीटली हो रही है,
अब एक चीज बताता हूँ आप लोगों, इसे तोड़ लीजिए दो भागों में। इस भाग में ऐसे तोड़ना है कि सबसे छोटी वैल्यू लेनी है हमें, सबसे छोटी वैल्यू ही लेनी है थ्री, और फिर जो नेक्स्ट होगी वो सबसे बड़ी लेनी है, 3 और 8। ठीक है, सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू ही लेनी है हमें इसमें। तो 8 और 3 से डिवाइड होने के लिए मैं क्या, 8 करोड़ क्या कहता है कि ऐड करो सभी को और डिवाइड करो 3 से। 8 करोड़ क्या कहता है, लास्ट की 3 वैल्यू, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड नहीं। तो दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाला देखते हैं, 8 3 4 डिवाइडेड बाय 3, 8 डिवाइडेड बाय 8 पहला रूल, 8 वन 8। अब ये हो नहीं रहा है तो ये होगा नहीं, 8 8 1 8 8 36 होता तो हो जाता पर ये नहीं हो रहा। ठीक है, अगला देखते हैं, ये वाला 38 और मैं 4 डिवाइड बाय 8, 8 4 36 बचा कितना, 24, 8 3 24, तो ये 8 से डिवाइड हो रही। अब 9 3 से और देख लेते हैं, 7 और प्लस 8 15। ठीक है, 15 3 से कट गया पूरा पूरा, 3 से ये भी कट गया, 3 3 है, 8 और 4 12, ये भी 3 से, इन दोनों ऐड करेंगे आया 12, 12 भी 3 से डिवाइड होता है, तो ये वैल्यू डिवाइड होगी, कंप्लीटली डिवाइड होगी 24 से, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, बस आज का लास्ट क्वेश्चन यही है। अभी आप लोग लास्ट का क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जो सीपीयू 2018 में आया था, इफ द 6 डिजिट नंबर, इफ द 6 डिजिट नंबर 4x 4π 96, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय, इज डिविजिबल बाय 88। अगर इसे हम 88 से डिवाइड करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2 वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इफ दैट 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4x 4y एंड 96 इज डिविजिबल बाय 88, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देता हूँ आपको आंसर में। पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 11। कुछ नहीं करना है इसमें, आप इसे दो भागों में तोड़ना है, सबसे छोटे सबसे बड़ी डिजिट लेकर दो भागों में डिवाइड करना है, फिर जो आंसर जो डिवाइड डिविडेंड आएंगे इनके, इसका डिविडेंड आएगा 8 और 11। अब ये आप लोगों को देखना है कि 8 का रोल क्या था और 11 का रोल क्या था, ये इसमें फॉलो करना है, इस वैल्यू फॉलो करना है और आंसर बताने हैं। तो आप लोग क्लास अच्छी लगी तो थैंक यू, क्लास अच्छी लगी तो बहुत अच्छा है, और मैं और अच्छा ट्राई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।